इस सेशन में हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनाने के रूल्स या सजेशंस की डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और दो या तीन अहम नुकात की तरफ हम डिस्कशन को ले जाते हैं, जिनका ध्यान रखने से हम बेहतर किस्म के शॉर्ट आंसर्स या कंप्लीशन टाइप आइटम बना सकते हैं। इसमें पहली बात जो आपको ज़हन में रखनी है वो ये है कि आप किसी एक शॉर्ट आंसर में या कंप्लीशन आइटम के अंदर मल्टीपल चीज़ें ना पूछें, एक से ज़्यादा चीज़ों को पूछने से गुरेज करें। जब भी हम एक से ज़्यादा चीज़ें एक सेंटेंस में, एक इनकम्प्लीट सेंटेंस में या एक शॉर्ट आंसर में पूछने की कोशिश करते हैं तो उससे हम ये क्लियर करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हमारा फोकस असल में किस चीज़ पे है, और इस तरह का सेंटेंस जिसमें हम एक से ज़्यादा खाली जगह छोड़ देते हैं वो अमूमी तौर पे कंफ्यूजिंग हो जाता है। सो इससे बेहतर है कि अगर मुझे एक से ज़्यादा चीज़ें उसमें पूछनी है तो मैं मल्टीपल क्वेश्चंस जो हैं वो बना लूँ। दूसरी बात जिसका ध्यान रखना है इसके अंदर ये कि जब भी आप कोई कंप्लीशन टाइप आइटम बनाएं तो उसका स्टार्ट, उसका आगाज, पहला जो लफ्ज़ होता है वो ब्लैंक से शुरू ना करें। उसके अंदर पहला, जब भी आप ब्लैंक स्पेस छोड़ देते हैं बिल्कुल शुरू में, तो उससे इस बात का इम्कान बहुत ज़्यादा हो जाता है कि उसके अंदर मल्टीपल आंसर्स फिट आ सकते हैं। तीसरी बात जो इसी की कंटिन्यूएशन में है, ये तीनों बातें मैं इकट्ठी इसलिए बता रहा हूँ कि ये तीनों मिल के एक मीनिंग बनाती हैं। तीसरी अहम बात इसमें यह है कि आप फिल इन दी ब्लैंक में कोई ऐसी ट्रिवियल किस्म की यानी गैर अहम किस्म की इंफॉर्मेशन ना ब्लैंक स्पेस की शक्ल में पूछ लें जिसके पूछने या ना पूछने से कोई वैल्यू एडिशन ना होती हो। मिसाल के तौर पे अमूमन ये होता है कि जब मुझे ये फिक्र पड़ती है कि मैं कोई मुश्किल सवाल बनाऊं और मुझे ये लगता है कि इसके अंदर जितनी अहम बातें थी वो तो बच्चे को याद होंगी, वो लिख देगा, तो मैं उसको मुश्किल बनाने के लिए उसके अंदर से कोई ऐसा लफ्ज़ गायब कर देता हूँ जो लफ्ज़ अपने तौर पे जानना या ना जानना किसी अहमियत का हामिल नहीं होता। मैं सिर्फ इस नज़र से कि ये नहीं आता होगा स्टूडेंट को, मैं वो वाला लफ्ज़ उसमें से निकाल लेता हूँ, जबकि उस लफ्ज़ को जानने की या उस टर्म को जानने की कोई ख़ास अहमियत भी नहीं होती। सो ये तीन बातें मैंने आपके सामने रखी कि हम जब सवाल बनाएं तो एक तो ये कि वो ब्लैंक स्पेस से शुरू नहीं होना चाहिए, एक सवाल के अंदर एक से ज़्यादा ब्लैंक स्पेसेस को अवॉइड करना चाहिए, जब बहुत ज़रूरी हो तो देना चाहिए, कॉज एंड इफ़ेक्ट देख रहे हैं तो दे सकते हैं, लेकिन अमूमी तौर पे इससे गुरेज करना चाहिए, और कोई गैर अहम चीज़ फिल इन दी ब्लैंक की शक्ल में नहीं पूछनी चाहिए जिसको जानने या ना जानने की इल्मी लिहाज से कोई वक़्त ना हो, तो उसको आप ना पूछें तो बेहतर होता है। इसको अगर आप देखिए तो मिसाल आपके सामने मैंने जैसे ये दिखाई स्लाइड पे, डैश एनिमल्स दैट आर बॉर्न डैश एंड डैश देयर यंग आर कॉल्ड डैश, यानी एक लाइन के अंदर मैंने चार ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दिए। इसका मतलब है कि बताने वाले को चार अल्फाज यहाँ कम से कम फिट करने हैं, और ये जितनी ज्यादा स्पेसेस होती जाएंगी उतने ज्यादा आंसर्स के कॉम्बिनेशन बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि वो कॉम्बिनेशन अपनी शक्लो सूरत में दुरुस्त बनेंगे लेकिन आप वो नहीं पूछना चाह रहे थे। सो लिहाजा इतनी सारी जब मैं एक सेंटेंस में ब्लैंक स्पेसेस देता हूँ सेंटेंस का अपना मतलब ही फौत हो जाता है, उसका अपना मतलब समझ ही नहीं आ पाता कि असल में ये सेंटेंस है किस बारे में, इसके अंदर क्या लिखना चाहिए। मतलब जवाब जो मेरे जहन में इसका है वो ये है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स दैट आर बॉर्न अलाइव एंड सकल देयर यंग्स आर कॉल्ड मैमल्स, ये पूछना चाहता हूँ। अब देखिए ये इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है इन चार बातों को निकाल देने से कि पढ़ने वाले को ये समझ ही नहीं आ पाती कि आपका फोकस असल में है क्या, आप पूछना चाहते क्या हैं। चार डिफरेंट बातें हैं जिनको आपने एक जगह पे इकट्ठा कर लिया। इससे बेहतर था कि अगर मुझे ये पूछना है कि मैमल्स कौन होते हैं या मैमल्स की डिस्क्रिप्शन पूछना चाहता हूँ तो मैं आइटम को फोकस करके सिर्फ मैमल्स पे ही फोकस करता। मसलन मैं इसको अगर यूं लिख देता, वार्म ब्लडेड एनिमल दैट आर बॉर्न लाइव एंड सकल देयर यंग्स आर कॉल्ड डैश, यानी जो पिछली इंफॉर्मेशन है वो जब तक मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा तो स्टूडेंट ये स्पेसिफाई नहीं कर सकता कि इस मैं मैमल्स के बारे में पूछ रहा हूँ। मैमल्स क्या है और मैमल्स की तमाम सिफात भी उसने खुद ही अगर लिखनी है
तो फिर सेंस नहीं बन सकती। कुछ चीजें प्री कंडीशंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मुझे खुद बताने पड़ेंगे और फिर उसके बाद मैं चेक कर सकता हूं कि उसको इस क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स का पता है, यानी ये मैमल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ऊपर दिए गए हैं। मैंने सवाल में क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसी से पूछ ली है और क्लासिफिकेशन भी उसी से पूछ ली। आप एक सवाल में क्लासिफिकेशन पूछें या उसके करेक्टरिस्टिक्स पूछ लीजिए, दोनों चीजें एक सवाल में पूछना अवॉइड करें। अगर मुझे कोई वार्म ब्लडेड होने के बारे में पूछना है तो फिर मुझे सवाल ऐसा डिजाइन करना चाहिए जिसका जवाब वार्म ब्लडेड बनता हो, फिर वो सवाल इस स्ट्रक्चर में नहीं, यानी एक क्वेश्चन में मल्टीपल चीजें नहीं। दूसरा, इसी सवाल में एक और खराबी जो मैंने आपसे कहा था कि उसका जो है पहला वर्ड ब्लैंक नहीं होना चाहिए, इससे कन्फ्यूजन ऐड होती है, डायरेक्शन सवाल की जो है उसकी समझ ही नहीं आती स्टूडेंट को। सो अवॉइड करें कि पहला लफ्ज जैसे वार्म ब्लडेड है, ये जगह खाली नहीं छोड़नी चाहिए थी, यहाँ फिक्रा किस पूरी तरह स्टार्ट करना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक कहीं आगे फिक्रे के मिड में, और बेस्ट चीज है कि फिक्रे के एंड पे चली जाए ताकि पढ़ने वाले को कम अज कम ये तो समझ आ पाए कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है जी। और तीसरी चीज को जो मैंने कहा था कि कोई ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन, कोई गैर मारूफ या गैर जरूरी या गैर अहम इन्फॉर्मेशन जो है वो अंदर से मुझे डिलीट नहीं करनी चाहिए। मसलन अगर इसी सेंटेंस में देयर यंग आर कॉल्ड, मैं यंग का लफ्ज काट देता और यहाँ खाली बना देता, तो यंग्स आर कॉल्ड, यंग का लफ्ज यहाँ इल्मी लिहाज से देखा जाए तो कोई खास अहमियत का लफ्ज नहीं है, कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, कोई नॉलेज का पार्ट नहीं है, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर का हिस्सा है बस। अगर मैं इसको निकाल के यहाँ ब्लैंक स्पेस लगा दूं तो असल में मैं एक गैर अहम चीज के लिए ब्लैंक स्पेस बना रहा हूं, जो स्टूडेंट को आ जाए तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आए तो भी फर्क नहीं पड़ता। सो मुझे इन तमाम खराबियों से हटने का जो जरिया मैंने आपके सामने रखा इस स्लाइड में, वो सिंपल ये है कि आप पहले ज़ेहन में ये तायुन करिए कि आप इस सवाल के जरिए से क्या चीज पूछना चाहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पूछना चाहते हैं, आप करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स पूछना चाहते हैं, कौन सी चीज आपका फोकस है, जो आपका फोकस है उस पे सवाल बनाइए और वो एक चीज एक सवाल में पूछिए। अगर दोनों बातें आपका फोकस है तो दो अलग-अलग सवाल बनाइए उनके लिए, उस सूरत में सवाल पढ़ने वाले को क्लियरली समझ आएगा। मैं इन सवालों के जरिए से पढ़ने वाले का नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहता हूँ, मैं कंफ्यूज्ड स्टेटमेंट्स बना के उससे गलत जवाब नहीं लिखवाना चाहता। सो स्टेटमेंट्स का कंफ्यूजिंग होना जो है वो अच्छी बात नहीं है, स्टेटमेंट्स का क्लियर होना और उसका एक वाज़े जवाब होना ये ज़रूरी है। हाँ, अगर उसको जवाब नहीं आता तो वो नहीं लिखेगा तो मुझे समझ आ जाएगी कि उसको नहीं आता, लेकिन कन्फ्यूज़ करके सवाल गलत करवाना ये जो है अच्छे सवाल की निशानी नहीं होता।